फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके टोटल 3 पेपर है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल का पेपर आपका 3rd है और फिजिकल में टोटल आपकी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी मैथमेटिकल स्टडीज के बारे में है, सेकेंड आपकी गैसीय स्टेट के बारे में है, 3rd जो है वो लिक्विड और कोलोइड्स के बारे में है, 4th सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, और 5th यूनिट जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में है। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी जो है हम 5th यूनिट में करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, बीएड में भी है, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर में जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, सेम ही सिलेबस है दोनों का, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 5th यूनिट शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। 5th यूनिट में जो केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट है, दो पोर्शन में आपकी डिवाइड की हुई है। फर्स्ट पोर्शन तो पूरा आपका 12th स्टैंडर्ड का ही है, आप वो पढ़ के आए हुए हैं लगभग, ठीक है। सेकेंड पोर्शन में जो है कुछ थ्योरीज है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें आप सिंपल कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है हमें। फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें आप बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, रेट लॉ के बारे में, ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी, इसके अलावा जो है रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कॉन्स्टेंट के फॉर्मूलाज आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी 5th यूनिट जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ओके, अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इस रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी भी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए, और उस रेट को जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो जानने के लिए, या उनकी स्टडी जो है हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट को वो आपके कोर्स में नहीं है, मैंने पहले भी बताया फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कोर्स में नहीं है, आपको वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन में जो है बेसिक्स पढ़े हुए हैं आपने, सबसे पहले तो हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हमने कहा कि केमिकल काइनेटिक्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मान लो आपका कोई रिएक्टेंट है, क्या डायरेक्ट जैसे ये तो रिएक्टेंट कोई भी आप रिएक्टेंट है तो केमिकल
ठीक है, क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। टाइम के साथ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है वही क्या कहलाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। Yeah.
ठीक है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्यों? डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है उस वजह से डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। यहाँ तो डिक्रीज हो रही है ये वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समय के साथ जो है अभिक्रिया की दर में जो है वो कमी होती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉज रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। समय के साथ रिएक्टिव की कंसंट्रेशन घटेगी तो माइनस किसके बराबर होगा? डीपी बाय डीटी। क्यों? यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्लस साइन। समय के साथ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, स्टोइकोमेट्री की बात करते हैं हम यहाँ पे। स्टोइकोमेट्री हम पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्री के बारे में, कोई भी रिएक्शन है ओके, उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है वो कितनी बार रिपीट हुए, जो भी रिएक्टेंट है मॉलिक्यूल आयन या कुछ भी एटम मॉलिक्यूल या आयन कितनी बार रिपीट हुए है वो जो है वो उस रिएक्शन की क्या कहलाती है? स्टोइकोमेट्री। कैसे पता चलेगा आपको? एक एग्जांपल देके बताती हूं आपको मैं। ये मान लो माइनस की था क्योंकि ये कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे हमने लिखा माइनस। ये क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्शन में कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी स्टोइकोमेट्री क्या होगी? माइनस 3। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन में रिएक्शन में उसकी
रिएक्शन में उनकी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्री के बारे में। एक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी, वो बिल्कुल आपको सेम लगेगा, पर यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी पॉजिटिव होती है। वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर आप इतना ही देखो, इसमें लिख लेना कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है टाइम डिपेंडेंट भी होती है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने के हैं, टाइम डिपेंडेंट भी होती है स्टोइकियोमेट्री और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इसके साथ ही स्टोइकियोमेट्री नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट लॉ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट लॉ की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेट लॉ के बारे में। क्या होता है रेट लॉ? रेट लॉ बेसिकली कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी, ठीक है, वो चेंज इन वो प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर चेंज इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है इसके चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेट लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब जो हमने पढ़ा है पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, अभिकारक के जो भी अणु होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में चेंज के प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल उत्पाद के कंसंट्रेशन में चेंज के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है जी? क्या वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ, बिल्कुल दिमाग में बिठा देना, रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब ये रेट लॉ हम पे यूज करेंगे। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट करती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसको ही लिख लूं मैं, ये हमारे मान लो एक रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है मुझे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डी आर बाय डी पी। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, हमने कहा था इसके बराबर होता है डी आर बाय डी टी के बराबर होता है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा दूंगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज के साथ इसको रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना चाहती हूँ तो मैं इसको प्लस साइन लगा दूंगी इस तरह से। क्लियर है चीज? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कंसंट्रेशन शो करो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन शो करो तो उसको इस ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, ओके, क्यों? ये ब्रैकेट जो है आपका बताता है, क्या बताता है? मोलर कंसंट्रेशन। क्या बताता है? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है रिएक्टेंट को जो है वो इस ब्रैकेट में रखा है। क्या कह रहा है ये ब्रैकेट कि आर जो है वो क्या है? मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ठीक है, और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में चेंज, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन में चेंज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज माइनस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज तो प्लस। ठीक है, और ये दोनों
ये कांस्टेंट आ जाएगा और यहां पे